हालत जनाबत में रोज़े का हुकुम क्या हालत जनाबत में रोज़ा हो जाता है जी हाँ हालत जनाबत का रोजे से कोई ताल्लुक नहीं है हो जाता है अलबतः नमाज हालत जनाबत में नहीं होती बाज़ लड़कों को इहतलाम हो जाता है तो सुबह वो बग़ैर गसल के सहरी कर लेते हैं तो परेशान होते हैं तो कोई बात नहीं आप बग़ैर गसल के सहरी कर लें और फिर नमाज से पहले आप गसल कर लें मुंह में गलती से पानी चला गया तो रोज़ा क्या टूट जाएगा अगर गलती से मुंह में पानी चला जाए तो रोज़ा टूट जाएगा और सिर्फ कज़ा होगी या कफ़ारा भी होगा एक होता है भूले से पानी पी लेना तो भूले से पानी पीने से तो रोज़ा भी नहीं टूटता कफ़ारा भी नहीं होता एक है गलती से पानी चला जाना यानी आपको रोज़ा याद था और आपने मुंह में कुल्ली की और गलती से मुंह में चला गया वो रोक ही नहीं सके पानी तो फिर रोज़ा टूट जाएगा आपका ऐसी कोई हदीस हमारे पास नहीं है जिसमें आता है कि गलती से पानी पीने से भी रोज़ा नहीं टूटता भूले से है गलती कब नहीं है तो गलती से चला गया तो ये चूंकि आपकी गफलत है लिहाजा रोजा टूट जाएगा लेकिन कफारा नहीं होगा क्योंकि जानकर आपने नहीं किया सिर्फ कजा होगी